रहिए बढ़ते रहिए। खाने पीने का यहाँ पुख्ता इंतजाम है, जगमगला करा रहे हैं, तो चारों तरफ स्टॉल टेबल लगा हुआ है, कटर लगा हुआ है, कहीं भी रुके खा पी सकते हैं। तो ये फिर हम लोग रेडी हैं खाना उना खाने के बाद, एक राउंड फिर हम लोग जाएंगे डाक बंगला, और डाक बंगला से जाने के बाद बहुत थक चुके हैं, तो सीधे जाने जाएंगे ये अपना घर पे सोने। चलिए डाक बंगला की तरफ ये चलते हैं। हेलो दोस्तों, आज नवमी का दिन है और पटना में ये नवमी आखिरी दिन होता है, क्योंकि दशहरा में रावण दहन होता है कल और उसके बाद दशहरा खत्म। तो आज भी हम लोग सड़कों पे निकले हैं, तो आज थोड़ा सा रूट मैप है कि यहाँ से हम लोग जाएंगे खजपुरा। कैसे कैसे रूट मैप है? बेली रोड, खजपुरा, बोरिंग रोड, डक बंगला और इधर समय मिला तो हमारे दो लोग मैसेज किए कि आप कहाँ मच्छरहट्टा के तरफ आइए। मच्छरहट्टा तो उधर दूर हो गया, मच्छर काट लेगा, डेंगू वाला मच्छर भी होगा हमारे भाई से बता रहे हैं। तो बस अभी हम लोग हैं चितकोहरा पहुंचेंगे और यहाँ के एरिया को कवर करते हुए आगे आपको सब पंडाल और माता का दर्शन कराते चलेंगे, तो जुड़े रहिए वीडियो में, देखते रहिए, मजा आने वाला है। रोड खाली है नहीं गाइस, खाली कराया गया है क्योंकि सड़कों पे हम लोग निकले हैं। और ये एक अच्छा मंदिर जो है काली मंदिर, इसका ही सजाव देख सकते हैं चितकोहरा पे। और ये आगे रहा चितकोहरा को, ये हम लोग आगे पहली रोड राजा बाजार, पूरे ब्रिज को, ओवर ब्रिज को पूरे लाइट से सजाया गया है। दुर्गा पूजा का नजारा है और दुर्गा पूजा हो, सारे लोग पटना के लोग रात में सड़क पर उतर आते हैं और अच्छी बात है कि पूरा दिन पूरा साल तो लोग काम करते ही हैं, ये तो दो चार दिनों के लिए एक गैप मिलता है और एक घूमने का समय मिल जाता है। हम लोग भी जब बच्चे थे तो बहुत इंतजार रहता था, अभी भी इंतजार रहता है दुर्गा पूजा का, और बच्चा बता रहा था कि मेला कब आएगा। तो यहाँ सड़क पर क्या बच्चे क्या बड़े सब एक्साइटेड रहते हैं सब घूमने के लिए। आप लोग कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ का अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो में बने रहे, आगे और चीज दिखाने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ लगता है कि काफी भीड़ है, छोले भटूरे अच्छा व्यवस्था है। दादी भी अपना बेला में चाट का आनंद देते हुए, जय हो दादी। काला कुर्ता बनाइए,
बजवा लेते हैं, बजाते रहेंगे, फोटो करते रहेंगे। नहीं रहा अपने बच्चा को देखिए क्या मस्ती कर रहा है क्या। आज गाइस मेरा आवाज गला खराब होने वाला है, क्योंकि इतना चिल्ला रहे हैं गला खराब हो रहा है।
पहुंचे नहीं हैं, अभी आधा एक घंटा से सिर्फ ट्रेनिंग में फंसे हुए हैं गाइड, और हमने अपना रूप बदल लिया है। ये यहाँ देखिए पूरा शिव मंदिर का भव्यता, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं। ये खजपुरा शिव मंदिर के पंडाल की तरफ भव्यता देखें, और ये जो मॉडल है ये है दातिया पैलेस मध्य प्रदेश का, और यहाँ अभी पिछले दो तीन वर्षों से जो मंदिर का भव्यता था, वे अपने कीमती सामान को रखना प्रयत्न करें, बढ़ते जा रहा है बाहुबली का था भाई सुमत राठिया पैलेस, अंदर का सीन हम दिखाना चाहेंगे, दिखाने पर उसे संपर्क किया जा सकता है। भव्यता देख सकते हैं मंदिर का, काफी भक्तिमय माहौल, लोगों ने पूरा उत्साह। आज कमी नहीं है, सुरक्षा के साथ साथ ये प्राइवेट एनजीओ वाले भी पूरा अपना सेवा में लगे हुए हैं, और यहाँ पंडाल के अंदर का लाइव चित्र आपको देखने को मिल जाएगा पूरा शिव मंदिर में। आइए तो आगे का जायजा आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ हम लोग कई रोड नीचे घूम लिए, और ऊपर जो आपको ब्रिज देख रहा है, अब उधर से लौटते टाइम हम लोग ऊपर ब्रिज पे चढ़ के आएंगे गाइस। तो जो लोग भी नहीं घूमे हैं वो लोग घूमने निकले, हम लोग भी सड़कों के मिल जाएंगे। लाइव भी बोल रहे हैं क्या? लाइव है बोल रहे निकले। अरे अरे हाँ, देखिए जब तक पहुँचेगा तब तक हो सके दशमी आ जाए, कल निकलिए रावण धान में भी हम लोग मुलाकात होगा गांधी मैदान में। एकदम लग रहा है कि मेला का भाई मेला है। बच्चा गुम हो गया है, उनके माता पिता जो है नहीं, बच्चा गुम नहीं हुआ है, अनाउंस नहीं हो रहा। काफी शांतिमय माहौल यहाँ मिलेगा राजा बाजार पहली रोड के पुल के नीचे, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सारे लोग मेला के भक्त माहौल में हैं, चारों तरफ मेला ही मेला, बच्चे का उत्साह देख सकते हैं घूमने के लिए, तो बच्चा का जो उत्साह है तो। चारों तरफ मेला ही मेला, भीड़ है कयामत की। कहाँ पे पहुंचे हम लोग? हम लोग बताए कि भुतला गए हैं गाइस। ये देखिए बच्चा, यही असली मजा है कि कंधा पे चढ़ के मेला घूमने का, कोई कोई मतलब नहीं। पढ़ते रहे क्या बउआ मजा आ रहा है? क्या गिर गया?
बच्चा का नाम है वो क्या ढूंढ रहे गिरवा में भैया आगे चलिए ना वहाँ थोड़ा सा रुका जाए आगे बड़ा लगा दीजिए ना यही लगा दीजिएगा क्या लगाइए तो ये अभी हम लोग हैं यहाँ दिल्ली रोड पे होटल भी अरे सामने जो स्मार्ट बाजार है।